हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फुल फ्लेयर वाला गरारे की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। और यहाँ पर हमने इसके बनाने के लिए 50 मीटर गोटा पट्टी लेस लिया हुआ है और हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है सिल्क कॉटन का। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से फोर फोल्ड में रखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर फोर फोल्ड में रखा हुआ है और इस साइड में हमारा बंद भाग है और देखिए इस साइड में भी हमारा बंद भाग है और हमारा देखिए सामने की तरफ हमारा खुला वाला पार्ट है और ऊपर की साइड में भी हमारा खुला पार्ट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें अच्छे से फैब्रिक को रखना है और हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो हम यहाँ पर ही इसी में ही बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेल्ट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच, क्योंकि हमारा इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच का है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऊपर के बेल्ट की जो फैब्रिक की चौड़ाई रख रहे हैं यहाँ पर 2 इंच रख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 2 इंच पर मार्किंग हो चुका है। अब हम इसे सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए, हमारी यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर कमर का मार्किंग ना कर लेकर हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप है 42 इंच, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 46 इंच आएगा और उसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर 11.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें 11.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर देखिए लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करना है। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल लेंथ आ रहा है 18 इंच आ रहा है और इसमें 18 इंच में हमारा देखिए नीचे के साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर टोटल 18.5 इंच है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल 18.5 इंच का मार्किंग कर रहे हैं, ये देखिए। अब हमारा यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्रॉच का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम हिप का तीसरा भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप जो है वो 42 इंच है और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 14 इंच आएगा और 14 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 15 इंच पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया। अब हमें देखिए क्रॉच को राउंड शेप देने के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम 2 से 2.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पर जैसे हम गले में राउंड शेप देते हैं और या आर्मोल में देते हैं, वैसे हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है राउंड शेप का। तो देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब हम इसके देखिए क्रॉच एरिया का जहाँ से हमारी यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल चौड़ाई है 14 इंच आ रहा है। तो अब देखिए, नीचे के बॉटम के लिए चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे। तो हमारे यहाँ पर 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा जो है वो 13 इंच आएगा, मतलब 13 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें मेजरमेंट रखते हुए 13 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से क्रॉस में मिला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमारी मार्किंग हुई है, सेम उसी पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो आपको कट करके दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है और नीचे का पार्ट भी हमारा इस तरीके से जॉइंट है, तो हम इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारा ये पार्ट हमने इस तरीके से कट कर लिया है, ये देखिए। अब हमारे यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इन दोनों साइड का क्रॉस एरिया जो है हम उसको सिल लेंगे। तो देखिए, इस साइड का हमारा जो क्रॉच एरिया है दोनों साइड का, हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है क्रॉच एरिया को। आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सिलाई कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर का जो बेल्ट है हम उसमें स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें 1/2 इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच का हमें गैप देते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेना है। और हमें देखिए, इलास्टिक डालने के लिए भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है खुला। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है इलास्टिक जाने के लिए। अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से लंबाई में हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में रखना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए लंबे में रखा है, ये देखिए। बीच से हमें सेंटर से हमने इस तरीके से रख लिया है। तो हमारा देखिए, यहाँ पर टोटल 4 फैब्रिक है, 4 फोल्ड है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है एक साइड का, हमारे यहाँ पर 46 इंच है और इसकी जो चौड़ाई हम नीचे से रख रहे हैं तो यहाँ पर 21 इंच है। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसके सेंटर में से कट कर लेना है और एक साइड का घेरा जो हमारा आएगा 2.5 मीटर का आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे सेंटर से कट कर लेना है। तो आपको कट करके दिखाते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा गरारा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया है और दोनों पैरों का हमारा जो घेरा है वो कट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से गोटा पट्टी लेस लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर आधा आधा इंच पर रखते हुए हमें यहाँ पर तीन लाइन का गोटा पट्टी लगाना है। तो देखिए और यहाँ पर हमारा जो नीचे ट्रायंगुलर शेप का लेस रहता है हम उसे लेंगे और इसके बॉटम में हम इस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्किंग करना है सीधी लाइन का। तो इस तरीके से हम 5 इंच पर रखते हुए यहाँ पर सीधी लाइन के लिए मार्किंग कर लेंगे 5-5 इंच पर। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है। तो ये देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक और लाइन बनाएंगे तो आधा इंच का गैप लेते हुए हमें इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है स्केल की मदद से। अब हमें यहाँ पर एक और लाइन बनानी है, ऐसे टोटल 3 लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये तीसरी लाइन है। अब हमें देखिए इस ऐसे ही हमें 2 और लाइन बनानी है। तो इस तरीके से हम 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ही एक और हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ऐसे हमें 2 और रेडी करना है 3-3 इंच का लाइन बनाकर। तो यहाँ पर हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम देखिए ऊपर के साइड का हम इस तरीके से रेडी करेंगे और यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट है इस तरीके से मिलाते हुए हमें सीधी लाइन बना ले रही है। और यहाँ पर देखिए आधा इंच का गैप छोड़ते हुए जैसे हमने नीचे मार्किंग किया था वैसे ही सेम हमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमें ऊपर के साइड में भी इस तरीके से लाइन बना लेनी है। ऐसे ही हमें एक और ऊपर एक और लाइन बनानी है तीसरी वाली। तो देखिए इस तरीके से हमें आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो हमारे देखिए मार्किंग हो चुका है। जैसे हमने ऊपर और नीचे वाला बनाया था वैसे ही हमें सेंटर वाला भी बना लेना है। 3 लाइन बनानी है सेम। तो आपको बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब हम गोटा पट्टी लेस लेंगे और देखिए ऐसे ही हमें दूसरे वाले लेयर में भी इसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है और हम गोटा पट्टी लेंगे और जिस तरीके से हमने मार्किंग किया उसे उसी पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से गोटा पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। ये देखिए हमने सभी जगह पर इस तरीके से गोटा पट्टी लेस लगा लिया है और नीचे के साइड में हमने इस तरीके से ट्राइंगुलर वाला जो हमारा लेस रहता है हमने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिए ऐसे हमने दोनों राउंड दोनों घेरे को हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब देखिए घेरा बनाने के हमें यहाँ पर गेदर बनाना है तो इसके लिए हमें एक सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई कर लिया है। अब देखिए एक साइड से हमें इस तरीके से थ्रेड को लेंगे जो हमने स्टिच किया हुआ है और देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे हमें थ्रेड को। और ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा फैब्रिक को खींचना है और देखिए खींचने के बाद हमारा यहाँ पर देखिए इस तरीके से गेदर बनता जाएगा छोटा छोटा। ये देखिए इस तरीके से हमारा गेदर बन जाएगा। ऐसे ही हमें इस वाले लेयर में हमें पूरे लेयर को इस तरीके से गेदर बनाना है। तो आपको गेदर रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है फ्रिल को। अब हम अपना ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर देखिए जो हमारा पार्ट इस तरीके का चौड़ा वाला पार्ट है हम इस तरीके से अपने नीचे वाले फ्रिल को इस तरीके से लेते हुए मेजर कर लेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो फ्रिल है वो रेडी हो चुका है सेम मेजरमेंट का। ऐसे हमने दूसरे पैर को भी रेडी कर लिया है। अब हमें देखिए इस तरीके से इसको रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो देखिए फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रखते हुए इसके ऊपर देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है उल्टा और इसको उल्टा रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और सीधे पर भी हमें एक दाब सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पैर का भी इसी तरीके से रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है।
अब हमें देखिए इसके क्रॉच एरिया को सिलना है। तो देखिए सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा करेंगे और देखिए इस तरीके से नीचे से हमें अच्छे से मिलाते हुए इसके क्रॉच एरिया को भी हम इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर साइड में देखिए हमारा जो बेल्ट है हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इलास्टिक है 1 इंच का। अब हमारा अपना कमर के हिसाब से हमें इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर 6 इंच हम यहाँ पर कम इलास्टिक ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कमर है 36 है और हम यहाँ पर जो इलास्टिक ले रहे हैं 30 इंच का हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जहाँ पर फैब्रिक छोड़ा था खुला हुआ, अब यहाँ पर देखिए सेफ्टी पिन की मदद से हमें इसमें अंदर साइड में हमें इलास्टिक को डालना है। तो आपको डाल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है इलास्टिक इस तरीके से इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इसको गैदर खींचेंगे और हमें इलास्टिक को थोड़ा लूज़ करना है। और देखिए इस तरीके से हमारा इलास्टिक हो चुका है। तो अब इस तरीके से इलास्टिक को रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लिए हैं। ये देखिए अब हम इलास्टिक को अंदर के साइड में इस तरीके से खींचते हुए हमें इलास्टिक को अंदर साइड में लेना है। और इससे खींचने के बाद देखिए इसके चारों ओर हमारा जो गैदर है अच्छे से इक्वल हो चुका है। अब देखिए हमारा जो फैब्रिक ओपन है हम इसे स्टिच कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसके सेंटर में भी हमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इलास्टिक के सेंटर में भी हमने सिलाई कर लिया है और जहाँ पर हमारा खुला पार्ट था हमें उसे भी सिलाई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गरारा है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में आप ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।